లక్ష్మీ నిఖిల గుణ గణాడంబరే లక్ష్మీ సర్వ वन तिरुपति बालाजी हमारा श्रद्धा स्थान है। हम साल में दो तीन बार तिरुपति मंदिर आते हैं। हर साल हमारी शादी की सालगिरह हम यही मनाते हैं। यहाँ हमें मन की शांति, समाधान, आनंद सब कुछ मिलता है। ऐसे जगत के सबसे बड़े और जागृत देवस्थान की बोर्ड मेंबर होने का मुझे अवसर मिला, ये बड़े सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र को पहली बार यह अवसर देकर भगवान तिरुपति जी ने महाराष्ट्र की जनता को अपना आशीर्वाद दिया है। ये पद को मैं पूरी शक्ति से, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से न्याय देने का प्रयास करूंगी। देवस्थान में होने वाले सभी उपक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम करूंगी। ये सुनहरा अवसर, ये सेवा का मौका हमें देने के लिए मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और ऑनरेबल सीएम चंद्राबाबू नायडू जी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे, यही मैं आज उनसे प्रार्थना करती हूँ। इनको पहली बार आंध्र सरकार ने तिरुपति तिरुमगा ट्रस्ट में भगवान तिरुपति जी की सेवा करने की संधि दी। मैं माननीय चंद्राबाबू जी को, जो हमारे निकट के मित्र है, उनको धन्यवाद देता हूँ। 2005 से चंद्रा बाबूजी से हमारी जो दोस्ती हुई, उसके बाद जब वो सत्ता में आए, हमने महाराष्ट्र की ओर से उनसे अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रस्टी इस तिरुपति तिरुमगा देवस्थान में लिया जाए। उन्होंने आज महाराष्ट्र को संधि देकर हमें तिरुपति भगवान को, हम वर्ष में कई बार आते हैं, कई वर्षों से हम भक्ति भाव से यहाँ आते आए हैं, तो भगवान और भक्त को उस नाते को पवित्र और मजबूत करने का काम इस ट्रस्टी के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र को दिया है। मैं चंद्रा बाबू जी को धन्यवाद देता हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने जो सेवा की संधि दी महाराष्ट्र को, मेरी धर्मपत्नी को, तो निश्चित रूप से भगवान तिरुपति के चरणों का आशीर्वाद लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम यहाँ पे देने की पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे।